पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, मुद्रा क्राइसिस, उर्वरक क्राइसिस, तमाम प्रकार के क्राइसिस चलते रहते हैं आए दिन। एक और क्राइसिस आ चुका है पाकिस्तान में, वो है वाटर क्राइसिस। इसे वाटर टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है वाटर टेररिस्ट और क्या है पानी का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ है शाहपुर डैम, क्या है शाहपुर कांडी बैराज यानी डैम, क्या है, क्या विवाद है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक डेली करंट का इशू पूरे विश्व की कोई भी न्यूज हम इस टाइम कवर करते हैं, तो डेली देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, मैं आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाटर टेररिस्ट इन पाकिस्तान, वाटर टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है। आप तमाम प्रकार के ट्विटर वगैरह पर देखेंगे हैशटैग वाटर टेररिस्ट, हैशटैग पाकिस्तान, तमाम प्रकार के चल रहे हैं। अब इन नदियों का पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान। कौन सी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाकिस्तान ऑलरेडी इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी लेता था, लेकिन फिर भी उसमें क्राइसिस ही रहता था। भाई ऐसा क्या है कि जनसंख्या भी नहीं है, फिर भी मतलब हर प्रकार का जो क्राइसिस देखने को मिलता है वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु जल समझौता हुआ था साथियों 1960 में। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही बना है, तो 6 नदियां हैं जो कि सिंधु की, यानी जो सिंधु नदी है उसकी सहायक हैं। 5 नदियां उसकी सहायक हैं और छठी सिंधु नदी है, ठीक है। और ये पहले भारत से ही गुजरती थी, फिर पाकिस्तान अलग हो गया तो उसको भी पानी की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच मध्यस्थता हुई कि इन नदियों का पानी किस तरह से हम दोनों आपस में बांटे, और वो मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई थी, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। अब देखिए वाटर टेररिस्ट क्या है साथियों, यही है कि अब जो पानी जाता था अब तक पाकिस्तान को भारत की नदियों का, जो भारत को नदी बट गई थी उनका पानी पाकिस्तान को जाता था, अब वो पानी रोक दिया गया है भारत के द्वारा एक डैम के माध्यम से, यानी डैम बनाकर। इसी को वाटर टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है। ओके, रावी नदी आप देखो यहां पर देख सकते हैं, ये I4 इंडस है, C4 चिनाब है, J4 झेलम है, R4 रावी, B4 ब्यास और S4 सतलुज। तो सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 6 नदियां हैं साथियों, ठीक है। भारत का ये कोना वाला क्षेत्र है जहां से जम्मू कश्मीर है, इस तरह से यहां से गुजरती है, पाकिस्तान भी इसमें आता है, तो ऐसे जाती है ये और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। आधा आप जानते हैं कि आधा पाकिस्तान पंजाब है वो पाकिस्तान में है, और आधा जो पंजाब है वो भारत में है, यानी इधर वाले जो इधर वाला क्षेत्र है इसे भी पंजाब के नाम से जाना जाता है जो भारत में है, और इधर वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है इसे भी पंजाब से जाना जाता है। पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य है, ठीक है। पंजाब होता क्या है, तो 5 नदियों के आव को पंजाब कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 नदियों का आव होता है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र आव कहलाता है, और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, वैसे ही 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो 5 नदियां इस वाले क्षेत्र में से गुजर रही हैं, इसीलिए भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब भारत में रह गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो साथियों यहां से अब देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब से मेनली यहां पर जा रही हैं नदियां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 नदियां हैं आपने देख ली। अब जो ऊपर वाली नदियां हैं, यानी पंजाब ऊपर की साइड है, पाकिस्तान ऊपर की साइड है भारत के, तो इंडस, चेनाब और झेलम, इनका 85% पानी पाकिस्तान को जाता था और इनका 19% पानी भारत को जाता था, ठीक है। देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है, यानी 85% और इसका 19% पानी भारत को आता था। अब साथियों क्योंकि आ रहा था अभी तक वो सीधा जा रहा था, अब यहाँ पर क्या है, रणजीत सागर बांध भारत ने बनाया इस पानी को रोकने के लिए, और दूसरा है शाहपुर कांडी डैम। रणजीत सागर तो पहले ही बन चुका था, अब यहाँ पर शाहपुर कांडी डैम बनकर तैयार हुआ है। अब बन चुका है तो इट मींस कि अब पानी यहाँ से रोक दिया जाएगा। अब जो पाकिस्तान को पानी जा रहा था इन नदियों का, क्योंकि ये नदियां तो भारत की है ना, तो भारत में इनका पानी यूज किया जाएगा,
तो इसीलिए अब यहाँ पर ये साहबपुर कांडी डैम बना दिया गया है, जो कि मेनली जम्मू कश्मीर और पंजाब में दोनों में आता है ये साहबपुर कांडी, और इनसे पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की सिंचाई अच्छे प्रकार से की जा सकेगी। इसी को वाटर टेररिस्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो भाई वाटर टेररिस्ट तो देगा ही नाम, क्योंकि भाई अभी तक तो मजे आ रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है तो इसने वाटर टेररिस्ट का नाम दे दिया है। तो यही है, बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, किस किस का कुछ क्राइसिस पर आप बोलना चाहेंगे तो जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।